ओ बापू मच्छर, ये मच्छर तो मुझे उड़ा कर ले जाएगा और कहाँ फेंक देगा पता ही नहीं चलेगा, और मेरा कीमा बना के खा जाएगा। बचाओ बापू बचाओ। मम्मी, अरे देखो बापू बड़े बड़े पड़े हुए हैं और मुझे बचा भी नहीं रहे इस मच्छर से। मैं कैसे रक्षा करूँ? मेरा तो खून पी पी करके ये शाले गंदे हो जाएंगे और मुझे ऊपर उठा कर लेके चले जाएंगे। मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। पुष्पा, ये पागल हो गया है। पागल वो नहीं, पागल तुम हो गए हो। मेरे बच्चे को मच्छर खाने को बोलते हो। मैंने कब बोला? मैंने आदमी समझकर इस गधे से शादी कर ली। मेरे प्यार ऐसे बच्चे को क्यों डांट रहे हो? हाँ? सो जा बेटा सो जा। उठ, खाना बना, खुद बना लो काम चोर आदमी। एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से लॉकडाउन। बेटा पंखा चला, गर्मी लग रही है। पापा पंखा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पंखे के पैर नहीं है। वो सही तो कह रहा है, बिना पैर के पंखा कैसे चलेगा? अबे मैंने कहा पंखा चला तो पंखा चला। पापा पंखा चलता नहीं, पंखा घूमता है। हाँ तो ठीक है, पंखा घुमा। पापा पंखा तो ऊपर है, हाथ पहुँचेगा नहीं तो कैसे घुमाऊं? चुप, बिल्कुल चुप। लास्ट बार सुन ले, वहाँ पंखे का बटन है, उसको दबा के आ। मुझे यहाँ से उठा के ले जाओ, मैं बटन दबा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मैं खुद ही चला लूंगा। मेरी जिंदगी इस कुत्ते से भी बेकार हो गई है। जब तुम्हें पता है तुम्हारी कोई नहीं सुनता तो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेते? चुप! पंखे की क्या ठंडी हवा आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है। हिलना मत यहाँ से, बस जुबान चलाना। तुमसे अच्छा तो ये कुत्ता है, कम से कम चुप तो रहता है। तो इसी कुत्ते से शादी कर लेते। मैं कुत्ता हूँ जो इस कुत्ते से शादी करूंगा। नहीं नहीं, आप गधे हो गधे। अबे चुप कर, वरना मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। पापा अगर आप अपने हाथ पैर तोड़ दोगे तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा और घर का इतना सारा काम कौन करेगा? अबे मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। अब इसे क्या हुआ? इसको पॉटी लगी है तभी ऐसा करता है। ये बाथरूम गंदा कर देगा, इसको बाहर लेके जाओ। चल बाहर चल, मेरी जिंदगी इस कुत्ते से भी बेकार हो गई है। अबे चुप! मम्मी भूख लगी है। बेटा अभी तेरे पापा आके खाना बनाएंगे, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा। मैं भी आराम करके थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अंदर चल, अंदर चल। साहब माफ कर दो साहब, साहब।